नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफ शॉप में। मैं सैफ राजेंद्र और एग्जीक्यूटिव सैफ सैफ शॉप से आज आपके लिए लेके आए हैं एक्सप्रेसो कॉफी मशीन और साथ में लाए हैं कॉफी बीन्स ग्राइंडर। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मशीन की अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, मेजरमेंट। इसमें लाइव आज हम आपको कॉफी बना के दिखाएंगे और साथ में बनेगा क्लीनिंग का पूरा वीडियो। तो वीडियो हो जाएगा बहुत खास, आप बने रहें पूरे वीडियो के साथ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं दोनों मशीन की अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, मशीन हमारी हो चुकी है अनबॉक्सिंग। आइए अब देखते हैं इसके साथ जो असेंबलिंग पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हमें इस मशीन के साथ मिलता है एक वाटर फिल्टर होल्डर और एक टेम्पर प्लस स्पून। एक आपको एक्स्ट्रा बास्केट मिलती है छोटे के लिए। एक आपको क्लीनिंग ब्रश मिल जाता है इसके साथ। एक टेम्पर मिल जाता है। एक डाइनिंग पाइप है, ये आपको इस मशीन के साथ मिलता है। इस मशीन के साथ आता है क्लिप जो कि इसको टाइट करने का काम करेगा और एक मैनुअल बुक। सो मशीन इंस्टॉल करने से पहले मैनुअल बुक को केयरफुली एक बार देख लेना है किस तरह से मशीन की इंस्टॉलेशन होती है, किस तरह से परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल मशीन की आपको इसमें मिल जाती है। और इसके साथ हमें मिल जाता है SSK कप स्टैंड जिसको हम यहाँ पे रख के आसानी से कॉफी निकाल सकते हैं। तो आइए अब कॉफी बीन्स ग्राइंडर की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, कॉफी बीन्स ग्राइंडर की कर ली हमने अनबॉक्सिंग। इसके साथ हमें मिलता है एक हॉपर जो कि आधे केजी का है और यहाँ पर मिल जाता है एक कप और साथ में मिल जाता है यहाँ पर जो स्क्रू ड्राइवर होता है, इसको जो है कम ज्यादा करने में जो है हेल्प करता है। तो दोस्तों आइए अब कर लेते हैं मशीन की इंस्टॉलेशन। इस मशीन के साथ हमें मिल जाता है एक ड्रेन पाइप। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पाइप को फिट, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं ताकि ये यहाँ पे होल्ड हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये होल्ड हो चुका है। ड्रेनिंग सिस्टम जो है मशीन के डिप ट्रे के नीचे बना हुआ है। हल्का सा मशीन को झुकाने के बाद जो है यहाँ पर जो है इस मशीन को इस तरह से मशीन के इस हिस्से में जो है ये पाइप फिट हो जाएगा और आप इस पाइप की हेल्प से जो है अपना ड्रेनिंग सिस्टम जहाँ पर भी है वहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। इसमें एक डिप ट्रे भी होती है जिसपे यहाँ पे जो है लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को हटाने के बाद जो है हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। तो अभी जो है हमारे ये पाइप से सीधे कनेक्ट हो चुका है, तो जो भी वेस्ट पार्ट निकलेगा वो यहाँ से जो है पाइप के थ्रू ड्रेन में चला जाएगा। और अभी मैं इसको कर लेता हूं लॉक। सो फ्रेंड्स, आइए अब ग्राइंडर की जो है इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। ग्राइंडर की इंस्टॉलेशन जो है बहुत इजी है। आप इस पाइप को, इस जो हॉपर है इसको इस तरह से अलग करके स्क्रू ड्राइवर दिया जाता है, इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस पैच को जो है लूज कर लेना है। आप कॉफी को जो है अपने हिसाब से जो है इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक पे एडजस्ट कर रहा हूं। एक पे करने के बाद जो है मैं इसको कर लूंगा टाइट। उसके बाद जो है ये यहां पर होल्ड हो जाएगा और जो हमारा हॉपर है उसको हम इस तरह से रख के इस पर भी जो है एक छोटी सी स्क्रू दी गई है साइड में, तो इसको भी हम कर लेते हैं टाइट।
आइए अब दोनों मशीनों का कर लेते हैं मेजरमेंट। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसकी लंबाई। तो लंबाई है इसकी 12 इंच। तो आइए अब कर लेते हैं इसकी विड्थ। तो विड्थ है इसकी 16.5 इंच। तो आइए अब कर लेते हैं इसका हाइट। तो हाइट है इसका 20 इंच। तो आइए अब ग्राइंडर बीन्स की जो है हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ग्राइंडर बीन्स की लंबाई जो है वो है 5.5 इंच। ग्राइंडर बीन्स का विड्थ है 8.5 इंच। ग्राइंडर बीन्स मशीन की हाइट है 14 इंच। सो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं मशीन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पानी। तो 1700 ml कैपेसिटी का इसका वाटर टैंक है। तो आइए अब इसमें जो है हम पानी सबसे पहले भर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले स्विच फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें दो स्विच फंक्शन जो है मशीन के नीचे वाले हिस्से पे दिए गए हैं, जो एक स्टीम का है और एक है पावर का। तो ऑन करने के साथ ही जो है सो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में जो है हमारी ब्लू लाइट्स जो है ऑन हो चुकी है। सो फ्रेंड्स यहां पर हमें कंट्रोल पैनल दिया गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यहां पर जो है पहला वाला जो है वो स्मॉल कप के लिए स्विच दिया गया है। तो यहां से जो है हम स्मॉल जो है अपना कॉफी बना सकते हैं। उसके बाद जो है लार्ज वाला बटन हमें दिया जाता है। उसके बाद एक मैनुअल बटन हमें दिया गया है और एक जो है डी स्केलिंग का हमें यहाँ पर बटन दिया गया है। तो इसकी मदद से जो है हम मशीन की डी स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और स्विच है जिसकी मदद से हम जो है हॉट वाटर निकाल सकते हैं यहाँ पर इजीली। इसके साथ ही बात करें और फंक्शन की, तो यहाँ पर जो है हमें एक नॉब दी जाती है जिसको हम एंटी क्लॉक घुमाकर जो है स्टीम वाला जो पाइप है हमारा उससे जो है स्टीम निकाल पाएंगे। ये स्टीम का पाइप है, ये स्टीम की नोजल है और यहाँ पर जो है बोरोमीटर दिया जाता है। तो 15 बार की हमारी मशीन है तो 15 बार बोरोमीटर हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर जो है पाइपिंग हॉट वाटर पाइप हमें दिया गया है। सो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की। तो ये मशीन 2700 वॉट की है, एक घंटे में 2.7 यूनिट लाइट ये जो है कंज्यूम करती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कॉफी बीन्स ग्राइंडर की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की। तो ये मशीन 250 वाट की है जो एक घंटे में 0.25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। सो फ्रेंड्स मशीन हमारी हो चुकी है परफॉर्मेंस के लिए रेडी। आप इस मशीन में एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, लाते, आइस लाते, अवोकाडो सारी तरह की कॉफी आइटम बना सकते हैं बहुत आसानी से। आज हम इसमें आपको लाइव बनाकर दिखाने जा रहे हैं कैपेचिनो विद कॉस्टिंग। तो आप इस पूरी डेमो वीडियो में देखेंगे एक कैपेचिनो की कॉस्टिंग हमें कितने आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें प्रॉपर चाहिए होगा मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कप की मेजरमेंट। आप यहां पे देख पा रहे हैं जैसे कि 180 ml का हमारा ये कॉफी का कप है। अब कर लेते हैं मिल्क की मेजरिंग। तो हम मिल्क ले रहे हैं 110 ml। तो दोस्तों हमने ले लिया 110 ml मिल्क और यहां पर हमने ले लिया है फ्रोथर। तो इस फ्रोथर की हेल्प से जो है हम दूध को कर लेंगे फ्रोथ। तो आइए दोस्तों अब कर लेते हैं कॉफी बीन्स की कॉस्टिंग और उसके लिए सबसे पहले हम पॉटर फिल्टर कर लेंगे वेट। तो ये हमारा हो गया 0। अब मैं इसमें लेने जा रहा हूं 10 ग्राम कॉफी बीन्स का पाउडर। सबसे पहले हम कर लेंगे जो हॉपर है हमारा उसको लॉक और मैं यहां पे डालने जा रहा हूं कॉफी बीन्स।
ये आधा लीटर आधा केजी कैपेसिटी का हॉपर हमें इस मशीन के साथ मिलता है। तो आइए अब बीन्स कर लेते हैं ग्राइंड, इसको कर लेते हैं अनलॉक और यहाँ पर इसको कर लेंगे मशीन को मैनुअल वाले बटन से स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको 10 ग्राम जो है हम कॉफी बीन्स इसमें लेने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कॉफी का वेट कर लेते हैं पाउडर का। तो ये हमारा हो गया 10 ग्राम कॉफी पाउडर। टेम्पर की मदद से इसको हमें हल्का सा प्रेस कर लेना है जिससे कि ये बराबर बराबर हो जाए। सो फ्रेंड्स फोटो फिल्टर में हमने जो है कॉफी ले ली है 10 ग्राम जिसकी कॉस्ट पड़ती है 4 रुपए। मिल्क हमने ले लिया है 110 ml जिसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 7 रुपए 26 पैसा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम मिल्क को कर लेते हैं फ्रॉथ। स्टीम पाइप को हम इतना ही लेंगे और यहाँ पर जो है हमें स्टीम का जो नॉब मिला है उसको हमने एंटी क्लॉक घुमा लेना है। तो यहाँ पर जो है स्टीम आनी शुरू हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिल्क जो है हमारा विद इन 5 to 6 सेकेंड में जो है अच्छे से फॉर्म बन चुका है। फॉर्म करने के बाद मिल्क का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री पे पहुंच चुका है। तो आइए अब हम जो हमारा कॉफी का होल्डर है उसको लगा लेते हैं डिस्चार्ज पॉट पर। यहाँ पर मैंने रख लिया है कप और जो हमारा फुल साइज का यहाँ पर फंक्शन दिया गया इसको मैं कर लेता हूँ प्रेस। हम देख लेते हैं अब बोलो। तो आइए अब टेम्परेचर इसका देख लेते हैं। तो टेम्परेचर आया इसका 69 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने निकाल लिया एस्प्रेसो शॉट। तो आइए अब हम इसकी मेजरिंग करके देखते हैं कि फुल दबाने पर एक बार में कितनी ml एस्प्रेसो शॉट यहां से डिस्चार्ज हुई है। तो ये 15 ml का मेरे पास स्पून है। तो 45 ml जो है एस्प्रेसो शॉट इस कप में एक बार में डिस्पैच हुई है। तो 15 ml का स्पून 3 बार मैंने इसमें निकाल के डाली है। तो ये 45 ml टोटल एक्सप्रेसो शॉट हमारा एक बार में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने निकाल लिया एक्सप्रेसो शॉट और अब मैं जो मैंने फॉर्म किया हुआ मिल्क है इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी जो कैपेचुनो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो 10 ग्राम हमने इसमें कॉफी बीन्स पाउडर लिया था जिसकी कॉस्ट है 4 रुपए। 110 ml हमने मिल्क लिया जिसकी कॉस्ट है 7 रुपए 26 पैसे और 65 पैसे की हमने शुगर ली। तो टोटल हम कर लेते हैं 11 रुपए 91 पैसे टोटल हमारी एक कैपेचिनो कप की कॉस्ट आती है। तो दोस्तों कैपेचिनो हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। मुझे शुगर ऐड करने की आदत तो मैंने कर लिया शुगर ऐड और मिक्सिंग चल रही है यहाँ पर और मैं जा रहा हूँ कैपेचिनो को टेस्ट करने के लिए। बहुत ही लाजवाब
जो है ट्रोमा इसके ऊपर निकल के आया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। बात कर ले इसकी स्मेल की, तो फ्रेश फ्रेग्रेंस जो है मुझे फील हो रही है यहाँ पर। बहुत ही लाजवाब डिलीशियस टेस्ट आया है इसका, और बिल्कुल कॉफी जो कैफे शॉप कॉफी शॉप होते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की जो कॉफी होती है, बिल्कुल वैसा ही फील मेरे को जो है इस मशीन में बनी हुई कैपेचिनो से हो रहा है। सो फ्रेंड्स, कैपेचिनो का लाइव डेमो करके हमने आपको इसमें दिखा दिया, तो आइए अब बात कर लेते हैं इसकी क्लीनिंग की। सो सबसे पहले हमें जो है जो वाटर फिल्टर होल्डर है उसको इस तरह घुमाकर जो है बची हुई कॉफी को डिस्पेस कर लेना है ऑन। सो बची हुई कॉफी को हमने इसमें से हटा लेना है, डस्टबिन कर लेना है। और अभी हमारा जो वाटर फिल्टर है वो हो चुका है क्लीन। यहाँ पर जो हमारा डिस्चार्ज पैनल है उसको हमने जो है नॉर्मल जो हमारा मशीन है मैनुअल वाला जो बटन है उसको दबा के जो हम क्लीन कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है ये डिस्चार्ज वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्लीन हो जाएगा। और हमें एक ब्रश इस मशीन के साथ मिल जाता है, इस ब्रश की हेल्प से जो है हम बाकी की कॉफी बची हुई जो साइड में है उसको भी क्लीन कर सकते हैं बड़े आराम से। अब बात कर लेते हैं जो हमारा स्टीम पाइप है उसकी क्लीनिंग की। तो यहां पर हमें एक स्केलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फीचर मिल जाता है, तो इसको हम कर देते हैं ऑन। ये इस तरह से ब्लिंक करने लग जाएगा और इस मशीन को हम कर लेंगे, यहां से हम जो है स्टीम नोब ऑन कर लेंगे, तो इस तरह से जो है ये क्लीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मशीन हमारी हो चुकी है क्लीन और ये अब नेक्स्ट यूज के लिए बिल्कुल हो चुकी है रेडी। बाकी जो रिमेन वाटर होता है वो पाइप के हेल्प से, जैसे कि हमने आपको बताया, वो जो है ड्रेन सिस्टम में चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एक्सप्रेसो मशीन है, इसके साथ जो कॉफी बीन ग्राइंडर है ये इंक्लूड नहीं है, ये अलग से खरीदना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक्सप्रेसो कॉफी मशीन का लाइव डेमो वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अधिक जानकारी और मशीन को खरीदने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आप हमारी सेफ शॉप की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।